Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to continue our chapter 1 with question number 16. Complete the blanks. You have to complete the given blanks with the correct answer. Question 1 is 1 year is equal to dash months. आपको बच्चों ये बताना है कि एक साल में कितने महीने होते हैं. तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12. कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो दीज आर द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर. तो वन ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. नाउ इज थ्री ईयर्स इज इक्वल टू डैश मंथ्स. अगर बच्चों एक साल में 12 महीने हैं तो तीन साल में कितने महीने होंगे? या तो आप 12 को तीन बार ऐड कर सकते हैं या फिर आप 12 की मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हैं. तो 12 थ्री जा 36. तो देयर आर 36 मंथ इन 3 ईयर्स. नाउ सी क्वेश्चन. 2 ईयर्स इज इक्वल टू डैश मंथ्स. अब आपको बताना है 2 साल में कितने होंगे. तो 1 ईयर में अगर 12 मंथ्स हैं तो 2 ईयर में कितने मंथ होंगे? 2 की मल्टीप्लाई आप 12 से कर देंगे. तो 12 टू जा 24. तो देयर आर 24 मंथ्स इन 2 ईयर्स. नाउ 2 वीक्स इज इक्वल टू डैश डेज. अब इसमें आपको ये बताना है, आपको ये पता होगा कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं. 1 वीक में होते हैं 7 डेज. कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. सो देयर आर दी 7 डेज ऑफ द वीक. तो आपको बताना है 2 वीक्स में. तो अगर 1 वीक में 7 है तो 2 वीक्स में कितने होंगे? तो 7 टू जा 14. तो देयर आर 14 डेज इन 2 वीक्स. नाउ 6 मंथ इज इक्वल टू डैश डेज. अब आपको बताना है कि 6 मंथ में कितने डेज होते हैं. अब 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है? 1 मंथ में 30 डेज होते हैं तो 6 में बताना है. तो 30 की मल्टीप्लाई आप 6 से कर दो. तो 6 जीरो जा 0 और 6 थ्री जा 18. सो देयर आर 180 डेज इन 6 मंथ्स. अब आपको बताना है 1 मंथ में कितने डेज होते हैं. 1 मंथ में होते हैं 30 डेज. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये कंप्लीट द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में बुक में फिल करना है. फिर आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 17. सो इसके ए पार्ट में पूछा गया है डैश इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. ये आपको ये बताना है कि सबसे छोटा महीना कौन सा होता है साल का. तो आपको पता है कि सबसे कम डेज जो है वो फरवरी में होते हैं, क्योंकि फरवरी में ओनली 28 डेज होते हैं और अगर वो लीप ईयर होता है तो उसमें 29 डेज हो जाते हैं. और बाकी जो रिमेनिंग मंथ्स होते हैं या तो उनमें 30 डेज होते हैं या फिर उनमें 31 डेज होते हैं. तो फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. तो आप यहां पर लिखेंगे फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. नाउ बी डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. आपको बताना है कि साल का सबसे आखिरी महीना कौन सा होता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. तो आप यहां पर लिखेंगे दिसंबर. उसके बाद मई कम्स बिफोर. बिफोर का मतलब होता है पहले. तो मई कौन से महीने से पहले आता है? मई जो है कौन से महीने से पहले आता है? तो आप काउंट एक बार फिर से रीड करेंगे. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. तो जून से पहले आता है मई. कौन से मंथ से पहले आता है? जून से पहले आता है मई. अब इसका डीप पार्ट जो है अक्टूबर कम्स बिफोर. आपको बताना है कि अक्टूबर अब कौन से मंथ से पहले आता है. तो फिर दोबारा रीड करेंगे. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. सो अक्टूबर कम्स बिफोर नवंबर. तो यहां पर आप लिखेंगे नवंबर. उसके बाद ई कम्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी. दिसंबर और फरवरी के बीच में कौन सा मंथ आता है? तो बच्चों दिसंबर जो है लास्ट मंथ होता है. तो लास्ट मंथ के बाद क्या हो जाता है? दोबारा से जनवरी से स्टार्ट हो जाता है. और फरवरी से पहले क्या आता है? जनवरी. और दिसंबर के बाद जनवरी. तो जनवरी और दिसंबर और फरवरी के बीच में कौन सा मंथ होगा? जनवरी. जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी. अ लीप ईयर हैज डैश डेज. तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 29 डेज हो जाते हैं जब लीप ईयर होता है फरवरी में. तो जब अगर फरवरी में एक दिन बढ़ रहा है तो पूरे साल में जो टोटल डेज होते हैं 365 उसमें भी एक दिन बढ़ जाएगा. तो वो 365 से हो जाते हैं 366. सो देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर. ओके, इन अ लीप ईयर डैश हैज वन मोर डे. अब आपको बताना है कि लीप ईयर में कौन से महीने में सबसे एक ज्यादा दिन होता है. कौन सा महीना ऐसा होता है जिसमें एक दिन बढ़ जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था वो होता है फरवरी. एफ ई बी आर यू ए आर वाई
फरवरी। अब क्वेश्चन नंबर 18, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। आपको इन्हें वर्ड्स में लिखना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है रुपीज 615 50 पैसे, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 615 रुपीज और 50 पैसे। ये बेटा मैंने पी बनाया है, ठीक है। अब आपको यहां पर बताना है कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है 46 रुपीज एंड 75 पैसे, 75 पैसे। ये लिखा है 125 रुपीज और 50 पैसे, 50 पैसे। अब यहां पे आपको बताना है रुपीज 450 लिखा और 25, तो यहां पे लिखेंगे आप 450 रुपीज और 25 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डन क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 इन योर मैथ्स बुक एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। और इससे पीछे का अगर कोई वर्क आपका छूटा हुआ है, आपको नहीं मालूम, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर टूडेज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। ओके, डू दिस इन योर मैथ्स बुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।